चलो, इट वाज सम इशू विद जूम आईडी। ओके फाइन, अभी कल से सेम ही आईडी पे आपको लॉगिन करना है, ठीक है? कल से सेम ही आईडी पे आप लोगों को लॉगिन करना है, क्लियर? ओके चलो, लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों, हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म हमने पढ़ लिया था गाइस, एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग, अभी हम पढ़ने जा रहे ऊजेनेसिस। ये टॉपिक एब्सोल्युटली नया है और ये हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं था इससे पहले, दैट ऊजेनेसिस हम लोगों ने पढ़ा नहीं था। तो ऊजेनेसिस के ऊपर ध्यान दीजिए बच्चों। ऊजेनेसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ एग। ऊजेनेसिस का मतलब है बच्चों डेवलपमेंट ऑफ द एग, ठीक है ना? सो गाइस, रिप्रोडक्शन होल यूनिट में से सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं था ना। सो ऊजेनेसिस लेते हैं बच्चों। ऊजेनेसिस क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड फीमेल गैमेट। गाइस, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, सेम तरीके से हुआ गैमेटोजेनेसिस, लाइक ऊजेनेसिस। सो फीमेल गैमेट से बन रहा है। यहाँ पे कैसे बन रहा है? द होल प्रोसेस वी आर गोइंग टू लर्न हियर, दैट इज एग और ओवम फ्रॉम द डिप्लॉइड जर्माइनल एपिथेलियम। सो बच्चों याद करो स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, और स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी में देखो जर्माइनल एपिथेलियम रहता है। तो इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ मियोसिस एंड माइटोसिस। तो हमेशा मियोसिस वन टाइम नहीं होता है, मियोसिस इज स्टेप टू प्रोसेस है, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। Like spermatogenesis, oogenesis processes can be divided into three stages: multiplication phase, growth phase, maturation phase. Guys, ये पहला जो phase है, ये है multiplication phase. आपको image दिख रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? ये diploid cell है। ये कौन सी cell है? Germinal epithelium cell है। ये parental cell है बच्चों, जो कि diploid है। So ये जो diploid cell है ना बच्चों, इस diploid cells का माइटोसिस हो रहा है। तो ये डिवाइड हो रही है दो सेल्स में, ये दो सेल्स का फिर से माइटोसिस हो रहा है, और ये देखो डिवाइडिंग सेल्स, ये सभी डिवाइडिंग सेल डिप्लॉयड है, मतलब हैविंग टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। और गाइस, ये जो डिप्लॉयड सेल है यहाँ पे, ठीक है, उसमें से अभी मैंने दिखाया कोई भी एक सेल में कैसे गमेट बन रहा है, इन सभी सेल्स में गमेटोजेनेसिस होगा। So, यहां से हम एक सेल लेते हैं बच्चों, वी आर गोइंग टू टेक अ सिंगल सेल। अभी ग्रोथ फेज, बिकॉज ये जो सेल है इससे आगे गैमेट्स बनने वाले, इसलिए इट ग्रोज इन अ साइज, इट ग्रोज इन अ साइज। सो सबसे पहले इसकी ग्रोथ होती है, और जैसे ही ग्रोथ हो जाती है इस डिप्लॉयड सेल की, तो पहला मियोसिस होता है। सो जब फर्स्ट मियोसिस होता है ना बच्चों, क्रोमोसोम्स जो रहते हैं, मियोसिस होल प्रोसेस मियोसिस, मियोसिस वन प्लस मियोसिस टू, इस तरह से। मियोसिस वन में बच्चों, मियोसिस वन जब होता है ना बच्चों, मियोसिस वन होगा तो एक सेल से दो सेल्स बनी है, फाइन। बट इस दो सेल में न्यूक्लियस सेपरेट नहीं होते हैं। कौन सेपरेट नहीं होता है? द क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होते, वो मेटाफेज में ही अरेस्ट रह जाते हैं। किसमें अरेस्ट रह जाते हैं? मेटाफेज में। सो नाउ यहां से एक सेल से दो सेल्स बनी, इन दो सेल्स में से एक सेल का साइज नहीं बढ़ता है, वो वैसे के वैसे ही रहती है, और हम उसे कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। और अनदर सेल इट ग्रोज इन अ साइज, और जो सेल विच ग्रोज इन अ साइज अगेन ही डिवाइड होती है, और डिवाइड होने के बाद में फिर से एक बिगर सेल, और बाकी के जो सेल्स है दे आर स्मॉलर इन साइज। सो आउट ऑफ फोर, ये सभी हैप्लॉइड्स है, आउट ऑफ फोर सिर्फ एक ही ग्रो होता है साइज में, ओवम कहेंगे, और बाकी के वन टू थ्री, इसे हम कहते हैं पोलर बॉडी, इसे हम कहते हैं पोलर गैमेट। नाउ जब हम इस पोलर बॉडी हो या ओवम हो, जब हम इसकी न्यूक्लियस की बात करेंगे और क्रोमोसोम की बात करेंगे बच्चों, इसके क्रोमोसोम मेटाफेज में अरेस्ट हो जाते हैं। इसके क्रोमोसोम कहाँ अरेस्ट होते हैं बच्चों? मेटाफेज में अरेस्ट हो जाते हैं, क्लियर? इसके क्रोमोसोम हमेशा मेटाफेज में अरेस्ट हो जाते हैं। सो ये मेटाफेज, मतलब इसके जो क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम फिर धीरे धीरे सेपरेट होने लगते हैं। कौन है स्वराज?
Nishant Ishar, not getting started. Okay. Direct open karo. Okay. आगे चलते हैं. सो कहाँ थे हम लोग? सो हम हैं यहाँ पे ग्रोथ फेज. सो ग्रोथ फेज में जैसे मैंने कहा एवरीथिंग गॉट डबल, जैसे कि सेलुलर ऑर्गेनेल्स डबल हो जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डबल हो जाता है, गॉल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, एवरीथिंग गॉट डबल बिकॉज वो आगे जाके डिवाइड होने वाला है. फिर आता है बच्चों मैच्यूरेशन फेज. मैच्यूरेशन फेज में क्या होता है? ओजेनेसिस टेक्स प्लेस इन द ओवरीज. The process is initiated prior to the birth of a female. हमें वो पता है. The primary oocytes, 2N, enter the maturation phase. जो primary oocytes रहता है, that enter the maturation phase, which includes meiotic division, meiosis 1 and meiosis 2. The diploid primary oocyte, ये देखो यहाँ पे picture पे दिख रहा है. Where is the primary oocyte? So this one is the primary oocyte. Primary oocyte जो कि डिप्लॉयड रहता है, उसका फिर से डिवीजन होगा, मियोसिस होता है. मियोसिस कंप्लीट नहीं होता है, इट इज अ वन स्टेप प्रोसेस, और उसके बाद में इन सब का फिर से डिवीजन होता है. तो लास्ट में 1, 2, 3, 4 हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं. आउट ऑफ दिस 4 हैप्लॉइड गैमेट्स, 3 को हम कहेंगे पोलर बॉडीज, और ये जो है यहाँ पे बचा हुआ जो है इसे हम कहेंगे ओवम. इसे हम कहेंगे ओवम. सो पोलर बॉडी किसे कहोगे? इसे पोलर बॉडी कहोगे क्या? नहीं. सो इसे कहोगे आप पोलर बॉडी फर्स्ट, एंड इससे जो दो बने हैं दैट आर द पोलर बॉडीज, 2 पोलर बॉडीज. ठीक है. सो हम आगे चलेंगे. सो द डिप्लॉयड प्राइमरी ओसाइट अंडरगो मियोसिस 1. मियोसिस 1 को हम हमेशा कहते हैं रिडक्शन डिवीजन टू फॉर्म द 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल. दिस डिवीजन इज पिक्यूलियर इन अ फीमेल एज बोथ द डॉटर सेल्स आर विद द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 आता है, और ये अनइक्वल डिवीजन है क्योंकि एक स्मॉलर और एक लार्जर रहता है, और दोनों में 23 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं. ठीक है. अभी क्या होता है बच्चों? नेक्स्ट प्रोसेस फिर बना सेकेंडरी ओसाइट्स, और फिर बना पोलर बॉडी. वो हमेशा हैप्लॉइड रहता है. ठीक है. फर्स्ट पोलर बॉडी डज नॉट एंटर मियोसिस 2. पहली पोलर बॉडी मियोसिस 2 में एंटर ही नहीं होती, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. फर्स्ट पोलर बॉडी जो बना है, पोलर बॉडी जो सेल है, वो मियोसिस 2 में एंटर ही नहीं होता है. व्हाइल द सेकेंडरी ओसाइट एन प्रोसीड्स मियोसिस 2 ओनली अप टू मेटाफेज. मैंने पहले ही बताया है कि सेल डिवीजन के अलग अलग फेजेस होते हैं, तो ये सिर्फ मेटाफेज 2 में ही अरेस्ट हो जाता है. इट्स डिविजन इज फर्दर स्टॉप और अरेस्टेड एट दिस स्टेज. The secondary oocyte is sheds from the Graafian follicle and ovary. This restart and completion of meiosis 2. So generally बच्चों metaphase के बाद में और भी anaphase है, फिर cell का separation होता है. ये process इसमें होती नहीं है, इसमें सिर्फ metaphase में चले जाते हैं nucleus. The restart and okay fine. So now उसके बाद में होगा fertilization. उसके बाद में next process होती है बच्चों fertilization. वो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है मैं और एक डायग्राम पे आपको बताऊंगी. ठीक है. फिलहाल और अच्छे से इसको आपको समझाती हूँ मैं. अभी पहले तो ये डायग्राम बना लीजिए. जैसे डायग्राम बनाओगे कुछ नाम के साथ में आप थोड़े रूबरू हो जाओगे. सो एक बार डायग्राम बनाओ. बच्चों मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है ना? रेज योर थंब. वीडियोज ऑन करो. कम ऑन. चलो ओके. वीडियोस ऑन करो. ओके गुड सारा. ठीक है बच्चों रिकॉर्डिंग. हाँ चलो ठीक है. वीडियो ऑन करो. डायग्राम बनाओ जल्दी से फास्ट.
चलो ड्रॉ द डायग्राम. कल मैंने कौन सी टेस्ट बताई है बच्चों? मेक द डायग्राम वेरी फास्ट. और जैसे ही डायग्राम बन जाती है शो मी द डायग्राम. चलो आपका डायग्राम बन गया वैष्णवी. ओके चलो गुड वेरी गुड. हाँ मंजरी यस आई कैन सी योर डायग्राम गुड. ओके ओके बेटा ओके. किसकी डायग्राम है? अंशु जी मंजरी की है. शाम में भी आ रही हूँ. डन बेटा. ओके ओके ठीक है चलो लेट्स गो अहेड. सो देखो फिर से रिवाइज कर रही हूँ जिन लोगों का हो गया डायग्राम. चलो फिर से रिवाइज कर रही हूँ. देखो पहला मल्टीप्लिकेशन फेस ये कोई जर्माइनल एपिथेलियल सेल है और ये जर्माइनल एपिथेलियल सेल जो है बच्चों ये माइटोसिस से डिवाइड हो रही है दो सेल्स में. ये सब ओवरी में हो रहा है और फिर इससे फिर से दो सेल्स. सो ये फेस हुआ मल्टीप्लिकेशन फेस. अभी यहाँ पे सभी सेल्स जो दिख रही है सभी डिप्लॉयड है. इसे हम कहेंगे ऊगोनिया. ये डिप्लॉयड ऊगोनिया जो है बच्चों ये डिप्लॉयड ऊगोनिया में से यहाँ पे मैंने दिखाया है कोई भी एक सेल इट ग्रोज इन साइज. कोई भी एक सेल मैंने बताया इट ग्रोज इन साइज. और जब ये ग्रो हो जाता है व्हेन इट ग्रोज इसे हम कहेंगे प्राइमरी ऊसाइड. अभी भी फिलहाल डिप्लॉयड है. डिप्लॉयड होने के बाद में इसमें होता है मियोसिस वन. एक्चुअली मियोसिस इज द रिडक्शन डिविजन. रिडक्शन डिविजन मतलब जो भी क्रोमोसोम नंबर है उसका हाफ द नंबर होता है. ठीक है सो उसमें से ही पहला स्टेप है मियोसिस वन. सो यहाँ पे होता है मियोसिस वन. मियोसिस वन होने के बाद में दो सेल्स बने. एक है पोलर बॉडी और दूसरी है सेकेंडरी ऊसाइड. गाइस ये पोलर बॉडी आगे जाके गमिट्स नहीं बनाएगी मतलब एक नहीं बनाएगी. पोलर बॉडी एक नहीं बनाएगी. पोलर बॉडी से पोलर बॉडी में जब मियोसिस टू बनेगा तो पोलर बॉडीज ही बनेगी जो फर्टिलाइजेशन में कभी भी टेक पार्ट नहीं करती. सो कौन सी सेल है जो फर्टिलाइजेशन में एज इन गमिट टेक पार्ट करती है? इट इज द सेकेंडरी ऊसाइड. और ये सेकेंडरी ऊसाइड यहाँ पे जो दिख रहा है ये हैप्लॉइड है मतलब हैविंग अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब कितना 23. और फिर इससे दो सेल्स बनेंगी. फिर से इन दो सेलों में से सिर्फ एक ही सेल ग्रो इन साइज और वो एक्ट करेंगे एज एग या ओवम. अभी देखो इस ओवम में जो भी क्रोमोसोम है बच्चों वो मेटाफेस में है. वो सेपरेट नहीं हुए. वो कैसे है बच्चों? मेटाफेस. दे आर अरेस्टेड इन अ मेटाफेस. दे आर अरेस्टेड इन अ मेटाफेस. क्लियर बच्चों? दे आर अरेस्टेड इन अ मेटाफेस.
ठीक है, अभी देखो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज द ओजेनेसिस, इसे हम कहते हैं ओजेनेसिस। नाउ सेकेंडरी ओसाइट का स्ट्रक्चर थोड़े डिटेल में देखते हैं। अभी यहाँ पे पूरी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस तो हम देखेंगे बच्चों, उससे पहले आप देखो ये है आपका ओवम, और ओवम पे ये देखो अराउंड द ओवम वॉल यहाँ पे ढेर सारे स्पर्म्स आर अटैच्ड टू दैट, और आउट ऑफ दिस मिलियंस ऑफ स्पर्म ओनली वन स्पर्म न्यूक्लियस एंटर्स इनटू द ओवम, ओनली वन स्पर्म न्यूक्लियस एंटर्स इनटू द ओवम, और फिर यहाँ पे देखो गाइस यहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन सो बच्चों ओवम में जो क्रोमोसोम मेटाफेज में, मेटाफेज में मतलब बच्चों आई एम गोइंग टू शो यू हियर, मेटाफेज में इसका मतलब जैसे कि ये कोई सेल है बच्चों, तो आइडियली क्या होता है यहाँ पे ऐसे क्रोमोसोम है, सपोज ये पहला वाला क्रोमोसोम जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई है उसको अटैच यहाँ पे दूसरा, तो इक्वेटोरियल रीजन है ना, ये इक्वेटोरियल रीजन है, तो यहाँ सेंटर पे ना बच्चों इस तरह से ये क्रोमोसोम ऐसे अटैच एक दूसरे से, अटैच क्रोमेटिड एक दूसरे से अटैच ऐसे प्रेजेंट रहते हैं सेल में गाइस, ठीक है ना। और आप देखो बच्चों और यहाँ से ऐसे स्पिंडल फाइबर्स अराइज होते हैं और क्रोमोसोम्स ऐसे अटैच रहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे, वो सेपरेट नहीं होते। मेटाफेज के ना, मेटाफेज के बाद में ना बच्चों दूसरी एक फेज आती है जिसे हम कहते हैं एनाफेज। एनाफेज में ना बच्चों ये इक्वेटोरियल पोजीशन से ये जो क्रोमोसोम्स है ये क्रोमेटिड जो है बच्चों वो ऐसे सेपरेट हो जाते हैं, ये ऊपर में जो स्पिंडल फाइबर से उसको खींचते हैं और ये क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, इस तरह से सेपरेट हो जाते हैं, है ना। ये ऐसा जब होता है उस फेज को हम कहते हैं एनाफेज बच्चों, उसे हम कहते हैं एनाफेज। और एनाफेज के बाद में होता है टीलोफेज, ये क्रोमोसोम जो है ना बच्चों एकदम से ऐसे एंड की तरफ चले जाते हैं यहाँ पे दो, इस तरह से टीलोफेज। और उसके बाद में नेक्स्ट फेज जो होता है इसे हम कहते हैं बच्चों ऐसा, इस तरह से यहाँ पे अभी सेल डिवाइड होगी, यहाँ पे वन टू और यहाँ पे दो सेल बनेगी, साइटोकाइनेसिस कहते हैं हम इसे, यहाँ एक सेल बनी और यहाँ पे दो उसके दो सेल्स बने, तो ऐसी प्रोसेस होती है गाइस। सो मेटाफेज में हमेशा क्रोमोसोम इक्वेटोरियल रीजन पे, एनाफेज में वो एक दूसरे से थोड़े दूर चले जाते हैं, टीलोफेज में बिल्कुल एंड, टीलो मतलब एंड, एंड की तरफ चले जाते हैं, फिर धीरे धीरे पूरी सेल का डिवीजन होता है और फिर एक नई सेल बन जाती है, ये प्रोसेस है बच्चों सेल डिवीजन की, ठीक है ना। सो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है भाई कि ओवम जो रहता है उसमें जो क्रोमोसोम्स जो रहते हैं वो हमेशा मेटाफेज टू में अरेंज रहते हैं, कौन से मेटाफेज टू में अरेंज रहते हैं, यहाँ तक क्लियर है बच्चों, वेरी गुड। नाउ डू वन थिंग गाइस, अभी क्या हो रहा है लास्ट लास्ट प्रोसेस को फिर से मैं दोहराती हूं, अभी क्या होता है This last phase is usually completed in ampulla. Ampulla मतलब बच्चों ampulla fallopian tube में, ampulla is the place जो मैंने पढ़ा चुकी हूँ पहले, ampulla is the place where fertilization takes place, है ना। तो ampulla पे ovum जाके rest कर लेता है and it wait for the sperm. Its sperm comes, fertilization होता है, sperm नहीं आएगा तो menstrual cycle restart हो जाती है। So guys हम यहाँ पे देखेंगे कि हो क्या रहा है। इन दिस डिवीजन ऑल्सो द टू अनइक्वल डॉटर सेल्स आर फॉर्म, लार्ज सेल इज ओवम एंड द स्मॉल सेल इज सेकेंड पोलर बॉडी, द ओवम सो फॉर्म फंक्शन एज द फीमेल गमेट, ठीक है, और इट इज नाउ रेडी फॉर द फर्टिलाइजेशन। और फिर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस टू होता है, मेटाफेज का एनाफेज में कन्वर्शन हो जाता है एंड कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है बच्चों हैंड एंड हॉर्न। तो मेटाफेज से क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं और फिर होता है फ्यूजन। इफ द सेकेंडरी ओसाइट डज नॉट रिसीव द स्पर्म और स्पर्मेटोगोनिया इट शेड ऑफ अलोंग विद द मेंस्ट्रुअम, दिस थिंग मैंने आपको पढ़ा दी है, यहां तक कि क्लियर है बच्चों। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये है अनफर्टिलाइज्ड एग, मतलब ओवम का स्ट्रक्चर, ओवम का स्ट्रक्चर आपको लर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्लियर। सो बच्चों ये ओवम का जो स्ट्रक्चर होता है इसका डायग्राम बनाओ अभी मेरे सामने भी, क्लियर।
open your videos and draw the diagram bachcho. Open your videos and draw the diagram of the unfertilized egg, that is ovum. Isme dear sari diagrams hain. You guys have to keep on drawing the diagrams. Chalo diagram banao. सिर्फ डायग्राम आता है बच्चों 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए इसका एक्सप्लेनेशन आएगा. वैसे ही मैक्सिमम यूनिट में से आपके क्वेश्चंस लेस हो गए हैं या पोर्शन लेस हो गया है. जो यूनिट कंप्लीट है उन पूरे यूनिट्स में से पूरे क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बोर्ड के लिए. वॉइस इज नॉट क्लियर. For other student, it is clear, beta. ठीक है बच्चों, चलो डायग्राम बनाओ. So membrane को properly level करो. Leveling should be okay. Done. Okay Manjari, I can see your diagram. Okay, done. Try to learn it Manjari. Learn karne ki koshish kar beta. हाँ ठीक है बेटा. शांभवी ओके. ओके बेटा. ओके कौशर का भी रेडी है. ओके बेटा. आई कैन सी योर डायग्राम. ओके ऋतुचा बेटा. ओके ओके बेटा. ओके 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 ठीक है. डन. सौरव अंशुजा हो गया बेटा. So do it fast. ठीक है अंशुजा. ओके 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 बेटा. ओके सरा वारू डन. प्रेषिता बाकी के बच्चे अब ये दिखाओ बच्चों तुम लोगों की डायग्राम. प्रेषिता थंब रेज करने से नहीं होगा. निशान रिया निकिता वैष्णवी वेयर आर यू गाइस. ओके सर. ओके ओके फाइन ठीक है. ओके
चलो चलो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। हाँ रिया, यस, ओके, ठीक है, चलो स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं। लेट्स स्टडी द स्ट्रक्चर। अभी बच्चों हम स्ट्रक्चर के ऊपर जब ध्यान देंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी ओसाइट्स, ठीक है। सो इन अ ह्यूमन अनफर्टिलाइज्ड एग व्हेन ओविलेटेड, दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी, इज एक्चुअली द सेकेंडरी ओसाइट। वो हमेशा एक सेकेंडरी ओसाइट रहता है। इट इज नॉन सिलोडिक, मतलब विदाउट शेल। उसको पहले कोई भी शेल नहीं रहता, कवरिंग नहीं रहता। एंड माइक्रोलेसिटिकल, मतलब योग इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। योग इट इज अप्रोक्सीमेटली, उसका साइज जो रहता है 0.1 mm, जिसे हम कहेंगे 100 micron इन साइज। इट इज राउंडेड। और हमेशा ध्यान में रखना है ह्यूमन फीमेल का जो एग होता है, इट इज नॉन मोटाइल। एंड हैप्लॉइड फीमेल गमेट होता है। न्यूक्लियस ऑफ अ एग अपीयर्स लाइक लार्ज एंड इट्स कॉल्ड एज अ जर्माइनल वेसिकल। सो आपने यहाँ पे जर्माइनल वेसिकल किसे कहना है? ये जो स्ट्रक्चर है, ये है गाइस जर्माइनल वेसिकल। जर्माइनल वेसिकल का मतलब है ये न्यूक्लियस है। क्योंकि देखो ना बच्चों, यहाँ पे न्यूक्लियस में आप गौर करोगे और देखोगे तो आपको पता चलेगा इस न्यूक्लियस में, इस सेंटर में है, इक्वाटोरियल पे, मतलब मेटाफेज 2 पे इसके क्रोमोसोम अरेस्ट हुए है। क्लियर? टिपिकल न्यूक्लियस जो रहता है उसे जर्माइनल वेसिकल कहते हैं। टिपिकल न्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन से पहले हम जर्माइनल वेसिकल, या उसे हम प्रो न्यूक्लियस भी कहते हैं। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन हम उसे प्रो न्यूक्लियस कहेंगे, मतलब न्यूक्लियस ऑफ मेल गमेट और न्यूक्लियस ऑफ फीमेल गमेट जब फ्यूज होते हैं तो हम कहते हैं प्रो न्यूक्लियस ऑफ मेल गमेट, प्रो न्यूक्लियस ऑफ फीमेल गमेट। द साइटोप्लाज्म ऑफ एग इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऊप्लाज्म। यहाँ पे देखो ढेर सारा साइटोप्लाज्म है, इसे हम कहते हैं ऊप्लाज्म। इट इज डिवाइड ऑफ सेंट्रियोल। So, देखो बच्चों, स्पर्म में सेंट्रियोल होता है, याद करो, स्पर्म में नेक रीजन पे सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल, बट ओवम में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। ये डिफरेंस हुआ। द साइटोप्लाज्म ऑफ एग इज कॉल्ड एज ऊप्लाज्म एंड इट इज डिवाइड ऑफ सेंट्रियोल। एग इज सराउंडेड बाय वेरियस कवरिंग। सो इस कवरिंग की जानकारी आपको लेना है। जैसे शुरुआत करेंगे, सबसे इनर मोस्ट कौन है? सबसे इनर मोस्ट है विटेलाइन मेम्ब्रेन। उसके ऊपर जाएंगे तो है प्री विटेलाइन स्पेस, और उसके ऊपर जाएंगे तो जोना पेलुसिडा, और उसके बाद में कोरोना रेडिएंटा। बच्चों सीक्वेंस बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। इनर मोस्ट विटेलाइन मेम्ब्रेन, आफ्टर दैट प्री विटेलाइन स्पेस, आफ्टर दैट जोना पेलुसिडा, एंड आफ्टर दैट कोरोना रेडिएटा। फिर से, ये शायद मैंने आपको स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बट सेम अदर फॉर्म मैंने आपको पढ़ाया था जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाई थी। आई होप सो, आई डोंट नो आप लोगों को याद है या नहीं है। चलो फिर से स्टार्ट करेंगे। द एग मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज अ विटेलाइन मेम्ब्रेन। कौन से मेम्ब्रेन को विटेलाइन मेम्ब्रेन कह रहे हैं हम? एग मेम्ब्रेन। इट सीक्रेट्स, अब ये पूरे के पूरे मेम्ब्रेन्स का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-1 marks के क्वेश्चन आ सकता है। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी ओसाइट बहुत IMP है फॉर द एग्जाम। अच्छे से लर्न करके रखो, कल पूछने वाली हो, बुक में से पूरा लर्न करके आना है आपके नोट्स में से। द एग मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज अ विटेलाइन मेम्ब्रेन। इट सीक्रेट्स, ये क्या सीक्रेट करता है भाई? विटेलाइन मेम्ब्रेन सीक्रेट कर रहा है किसे? सीक्रेट्स अ नॉन सेल्यूलर ग्लाइकोप्रोटीन मेम्ब्रेन, जिसे हमने कहा जोना पेलुसिडा। सो गाइस, बहुत बार क्वेश्चन आता है, नीट लोगों को भी क्वेश्चन आता है। ये सभी मेम्ब्रेन, जैसे कि सबसे नीचे में विटेलाइन मेम्ब्रेन, उसके बाद में एक स्पेस है प्री विटेलाइन स्पेस। गाइस, ये विटेलाइन मेम्ब्रेन ही आगे एक मेम्ब्रेन बनाती है जिसका नाम है जोना पेलुसिडा। और ये जोना पेलुसिडा जो है ना बच्चों, ये जोना पेलुसिडा क्या है? तो ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग मटेरियल से बनी है, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन से बनी है, ठीक है। तो बहुत से बार पूछा जाता है विच वन आउट ऑफ दिस इज अ लिविंग वन, विच इज विच वन आउट ऑफ दिस इज नॉन लिविंग वन। सो जोना पेलुसिडा हमेशा नॉन लिविंग रहता है। सो गाइस, जोना पेलुसिडा ऑन इट्स आउटसाइड, विटेलाइन के जस्ट बाद में जोना पेलुसिडा आएगा,
adhering to the outer surface of zone of Pallidicera, there are severally radially elongated cells बन रही है. ये देखो बड़ी बड़ी cells दिख रही है. और इसे हमने कहना है कोरोना रेडिएटा. इसे आप क्या कहोगे बच्चों? कोरोना रेडिएटा. भाई कोरोना को तो भूल ही नहीं सकते हम लोग, है ना? सो ये है कोरोना रेडिएटा. ठीक है. दिस सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स. कौन सी सेल? ग्रैनुलोसा. इनसाइड यहाँ पे छोटी छोटी सेल्स होती है, ग्रैनुलोसा सेल. These are firmly held to the zona pallidicera and to each other by hyaluronic acid. देखो मैं हमेशा बताती हूँ कि sperm में head region में acrosome always secrete the hormone hyaluronidase. ये hormone क्यों जरूरी है? ये जरूरी इसलिए है कि corona radiata और zona pallidicera इसके बीच में hyaluronic acid है. That is mucopolysaccharide होता है, कार्बोहाइड्रेट है और यह है mucopolysaccharide, hyaluronic acid. So actually it is acid. तो actually ये hyaluronic acid को degrade करने के लिए hyaluronidase enzyme चाहिए, which is present at the head of the sperm. Between the vitelline membrane and zona pallidicera, there is a perivitelline space and which is filled with the fluid. The first polar body lies in this space. So यहाँ पे ये बहुत BVIMP क्वेश्चन बहुत सी बार नीट में आता है, बोर्ड में भी आ सकता है बच्चों, बिकॉज ट्रिकी है कि भाई न्यूक्लियस तो वहां है पर फर्स्ट पोलर बॉडी कहाँ रहेगी. तो बच्चों फर्स्ट पोलर बॉडी प्री विटलाइन स्पेस में रहती है. कहाँ रहती है गाइस? पेरी विटलाइन स्पेस में, या प्री विटल पेरी विटलाइन स्पेस में रहती है. यहाँ पे ये है फर्स्ट पोलर बॉडी. क्लियर? सो द एग शोज पोलैरिटी. The sides having germinal vesicle and the first polar body is called as animal pole. किसे animal pole कहते हैं? The side having germinal vesicle and the first polar body. अभी यहाँ पे ये वाला side, ये पूरा structure है और इस structure में ये वाला side जिस तरफ, and germinal vesicle मतलब nucleus, जो कि जिसका chromosome metaphase 2